नमस्कार, आप देख रहे हैं वॉच इंडिया नाउ और इस वक्त हम मौजूद हैं फतेहपुर के पंडित अटल बिहारी वाजपेयी पार्क में, जिसका हाल ही में उद्घाटन हुआ है। और इस पार्क में क्या सुविधाएं हैं, क्या क्या इस पार्क में सुविधाएं आपको मिलेंगी, इस बारे इस इन सब चीजों की जानकारी देने के लिए हमारे साथ इस वक्त अधीर राजा जी मौजूद हैं। इनसे जानेंगे कि पार्क बनवाने का आइडिया आपको कहाँ से आया। पार्क बनवाने का आइडिया हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने लखनऊ में जानेश्वर मिश्र पार्क बनवाया था, तो मेरे बात तो उस टाइम से दिमाग में गूंज रही थी, कभी भविष्य में अगर मौका मिला, अगर ऊपर वाले ने मौका दिया तो इस तरह काम शहर वालों के लिए करना चाहिए। जिस पद पे है इंसान उस पद का दायित्व जरूर निभाना चाहिए, जो जिम्मेवारी दी है जनता ने, क्योंकि ये नीचे भी पूछा जाता है, ऊपर भी वाला भी पूछेगा कि अगर हमने आपको किसी पद में किसी जिम्मेदार उस पर बना रखा तो आपने क्या किया। तो कुछ तो हमारे एक धार्मिक आस्था थी कि किसी इंसान के लिए अच्छा करिए, अच्छा मिलेगा। और तो हमको इस फतेहपुर की जनता ने जो प्यार दिया, हिंदू भाई मुसलमान भाइयों ने, उसका ही खाली हमने थोड़ा सा उनके कर्ज का थोड़ा सा अंश अदा किया है, क्योंकि वो तो बहुत बड़ा कर्ज है उनका कि हमको जिता के हमारी माँ को इस कुर्सी पर बैठाला नगर पालिका फतेहपुर के लिए। जिस तरीके से हम लोगों ने यहाँ पे सर्वे किया है तो ये जो एरिया को आपने इतने सुंदर पार्क में तब्दील किया है, यहाँ पे कचड़ा पड़ा रहता था, तो किस तरीके से कचड़े की जगह को इतना सुंदर बना दिया। ये विवादित जमीन थी, नगर पालिका की जमीन थी, और नगर पालिका की जमीन पहले पट्टे वगैरह जो भी हुआ करते होंगे, लेकिन ये विवाद से घिरी हुई थी। हमारे यहाँ के एक राजू नवाब साहब है और उन्हीं के परिवार के कुछ लोग इसमें वो किए थे, उनका नाम पट्टा वगैरह था, तो उन लोगों से हमने बात की, बात करके अपना सुझाव बताया, तो अच्छे लोग हैं, उन लोगों ने बल्कि अपनी जमीन खुद उसमें 10-20 जमीन उन्होंने दी है, इसमें सहयोग किया है, उसके बदले में हम लोगों ने ग्राम समाज चेंज होता है इस चेंज करके उनको दिया गया है। ये जमीन 500 से इसी तरह पड़ी थी, यहाँ मरे जानवर, कूड़ेदान और इस तरह गंदगी, सब वो ट्रैंक वगैरह गंदगी यहाँ बहाई जाती थी, लेकिन सबके शहरवासियों के आशीर्वाद से, उनके सहयोग से ये पार्क की स्थापना हो पाई और इतना सुंदर, इतना अच्छा फतेहपुर के जनता के लिए ये नया नगर पालिका का बोर्ड दे पाया, इसके लिए मैं जनता का आभारी हूँ और जनता के सहयोग के लिए आभार प्रकट करता हूँ। कितनी लागत आई इस पार्क को बनाने? इस पार्क का प्रोजेक्ट तो करीब 13 करोड़ रुपए का है। अभी पालिका में इतना बजट नहीं होता, छोटी संस्था है, तो इसको हम लोगों ने राज्य वित्त से कुछ योजनाओं से 15वां वित्त के सरकार के पैसा तो सभी होता है, हमारे नगर पालिका की बोर्ड की जो आमदनी है उसको लगाया गया, तो करीब ये लगभग 3.5-4 करोड़ रुपए लग चुका है, और इसमें ये 11 करोड़ रुपए की योजना है। अगर भविष्य में नगर पालिका अध्यक्ष के रूप में अगर हम लोग आते हैं और जनता फतेहपुर की अगर सहयोग और प्यार देती है तो वो पूरा के पूरे काम करना है, जैसे कि अभी इस झील इसको एक पुल टाइप का बनाना है, बड़ी योजनाएं हैं, और इस पे स्टीमर वगैरह चलवाना है। मौजूदा हमारे डीएम साहिबा हैं तो उनसे भी हम लोग मिले, वो पूरी बात बताई, तो उन्होंने भी जो हो सका उन्होंने सहयोग किया है। अपूर्णा दुबे जी ने तो इसमें कुछ पैसे भी अपने खनन से दिए थे, 7 लाख रुपए 9 लाख हमारे यहाँ आया था, कुछ PW भी दिया उन्होंने, बहरहाल उनका बहुत अच्छा सहयोग रहा। इसमें पब्लिक जो आएगी यहाँ पे उसमें क्या क्या उनको सुविधाएं मिलेंगी इस पार्क में? यहाँ पे देखिए, जैसे कि उनको सुविधा के लिए हमने यहाँ पे लैट्रिन बाथरूम का इंतजाम है, और पानी पीने के लिए भी यहाँ पे हमने अच्छे समरसेबल वगैरह कराने की योजना करके एक बड़ा हाईवे वो करा गया कि किसी वजह से अगर हमारा तालाब सूखता है तो उस बोर से भी पानी का उपयोग किया जा सके। फिर यहाँ पे सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोगों ने कप्तान साहब को चिट्ठी भेजी है, और यहाँ पिकेट भी लगेगी पुलिस की, अभी क्योंकि निर्माणाधीन है ये, उसके बाद लेकिन शहर की पब्लिक है वो किसी तरह से मानने के लिए तैयार नहीं है, तो हम लोगों ने खोल रखा है क्योंकि पूरे तरह से अभी पार्क तैयार नहीं है, तो इसको यहाँ पे इस तरह की सुविधा होगी, कैंटीन्स होंगी। ये हमारा सौभाग्य है और ये फतेहपुर की जनता का प्यार था कि ये हमारे माँ के हाथ के कमलों से ये हो गया, ये बड़ी बात है। हम तो क्या यहाँ पे CCTV फुटेज सेफ्टी को
इंतजाम भी हो गए? नहीं नहीं, उसका टेंडर करा दिया गया। यहाँ पे हाई उसके कैमरे जो हाँ से कोड़े बहुत उसके टेंडर करा लिए गए हैं, क्योंकि टेंडर की एक प्रक्रिया होती है और टेंडर से पहले पहले धन देखना पड़ता है नगर पालिका में, तो उस लिए स्टेप बाय स्टेप हो रहा है काम, एक साथ नहीं कर सकते हम लोग, ये परेशानियाँ। ये जिस तरीके से ये जो लेक आपने बनवाया है, इसमें पानी की जो व्यवस्था है, तो क्या इस ये पानी कहाँ से आ रहा है और किस कैसा पानी है? इसके लिए ट्रीटमेंट प्लांट लगा हुआ है, करीब ट्रीटमेंट प्लांट 60 लाख रुपए की लागत का है। जो पानी आएगा वो फिल्टर होके आएगा, जिसमें मछली बनी हुई है वो ट्रीटमेंट प्लांट है। जिस तरीके से आपने इतना सुंदर पार्क इतने कम टाइम में, 5 साल के टाइम में आपने बनवाया है, जिसमें से 2 साल कोरोना में निकल गया लॉकडाउन में, 2.5 साल या 3 साल में आपने इस पार्क को बनवाया है, बहुत मेहनत करी है आपने जैसा कि आपने बताया, तो पब्लिक यहाँ पे आने वाली पब्लिक से आप किन बातों का ध्यान रखने के लिए कहेंगे? पब्लिक से सिर्फ यही, जनता से हम आह्वान करना चाहते हैं, उनसे अनुरोध करना चाहते हैं, निवेदन करना चाहते हैं कि यह पार्क उनके सुख सुविधा के लिए है, बच्चों के लिए है, ये हम सबका आने वाले टाइम पे ये बहुत अच्छा पार्क होने जा रहा है, लेकिन इसमें सहयोग चाहिए। वो अपना समझ के जैसे घर को अपने इस्तेमाल करते हैं, उसी तरह से इस पार्क में इस्तेमाल करें, मतलब इसका लुत्फ उठावें और इसका पार्क में सहयोग ये करें कि जैसे साफ सफाई है, किसी चीज़ को तोड़े फोड़े नहीं और यहाँ कोई अराजकता नहीं आवे और न फैलावे। यहाँ पे शहर के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है, उस चीज़ को आज तक फतेहपुर में इतनी बड़ी उपलब्धि नहीं हो पाई, पूरे जनपद की मैं बात कर रहा हूँ किसी कोने में, और मैं तो ये कहूँगा कि 10-25 जिले में इतना बड़ा पार्क एक साथ तालाब के साथ, जगह तो हो सकती है लेकिन तालाब और पार्क एक साथ नामुमकिन बात है। यहाँ पे क्या आने वाले टाइम पे टिकट सिस्टम का भी कुछ होगा, ये आने में पार्क के अंदर आने का टिकट लगेगा? अब नया बोर्ड जो आएगा वो क्या तय करता है, और रख रखाव के लिए तो होना चाहिए, मेंटेनेंस के लिए तो कुछ तो होना चाहिए, उससे पब्लिक का भी हित है और नगर पालिका बोर्ड का भी और ये पार्क का भी हित होगा। जब कुछ आय होगी जब ही इसका रख रखाव हो पाएगा। क्या लगता है कि आने वाले टाइम में ये पार्क और इसका विकास वगैरह होगा? जी हाँ, इसमें कई चीज़ें अभी बाकी हैं, जैसे कि इसमें एक पुल वगैरह बनना है उस तरफ, वहाँ पे बेटे हट जाओ बेटे, पुल वगैरह बनना है, अभी ये सब बाउंड्रीज होनी है, और इसमें एक तरह से स्टीमर वगैरह पड़ रहे हैं, और इस पार्क में अभी एक चीज़ और होने जा रही है जिसे कि उसे कहा जाए म्यूजिक फाउंटेन वगैरह, उसका भी इसमें है, हम लोगों ने लिया है। अब कितना, क्योंकि हमारे पास समय नहीं है, अब 15 दिन चुनाव में जाने का रह गया है, अब नया बोर्ड आएगा क्या तय करता है, अगर हम लोग वापस आते हैं तो जो हमारे प्रोजेक्ट में है वो तो हम लोग करेंगे। यहाँ पे आपने जिम का भी अरेंजमेंट करवाया है, ओपन जिम है, तो इसमें ये कि सेहत इंसान के लिए सबसे बड़ी चीज है, मनुष्य के लिए जो सेहतमंद नहीं है उसके लिए जिंदगी बेकार है, भार की तरह है, तो फिट रहने के लिए बच्चों के लिए बड़े जो भी यहाँ पे पुरुष हैं महिलाएं हैं सबके लिए किया गया है ये ओपन जिम की सुविधा की गई, और जिम के कई और इंस्ट्रूमेंट आने भी हैं। जिम को और थोड़ा सा बड़ा एरिया बड़ा किया गया करा जाएगा, और इसकी कुछ जगह हम लोग यहाँ पे जिम के लिए खरीदने के लिए भी तैयार हैं, क्योंकि हमने बताया 11 करोड़ का प्रोजेक्ट है, अभी तो 3.5-4 करोड़ रुपये खर्चा हुआ है, अब 11 करोड़ में कुछ जमीन भी हमको लेना है जिसमें जिम के लिए एक हाल बनाना है, हाँ, जिसमें फतेहपुर के जितने भी लोग हैं जो जिम करना चाहेंगे पार्क में वॉक करेंगे, और जिम करना चाहेंगे तो जिम भी करेंगे। तो क्या तरफ से तो जिम का कोई चार्ज होगा? बिल्कुल चार्ज होगा, क्योंकि पैसा नगर पालिका लगाएगी तो नगर पालिका वसूलेगी भी, ये हमारे उसमें है कॉन्सेप्ट। अभी हमारे साथ जो मौजूद थे चेयरमैन प्रतिनिधि हाजी रजत थे, और इन्होंने बताया कि पार्क में अभी क्या सुविधाएं हैं और आने वाले टाइम में क्या सुविधाएं इस पार्क में रहेंगी, और इसी तरीके की खबरों को देखने के लिए वॉच इंडिया नाउ को यूट्यूब पे सब्सक्राइब करें। कैमरा पर्सन प्रवीण के साथ मैं ऋषभ उमराव, वॉच इंडिया नाउ। सत के हाशिए पर खड़े हैं हम, सत्य के संग असत्य से लड़े हैं हम, सड़क से सत्ता तक पैनी नजर रखते हैं हम, परत दर परत खबरों का डीएनए करते हैं हम।
एक नए अंदाज में। देखिए वॉच इंडिया नाउ।